यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। मनरेगा लोकपाल डॉक्टर मुरारी झा ने गढ़वा जिले के रंका प्रखंड की तमके पंचायत अंतर्गत पिंडरा निवासी पुनीत साव की शिकायत आवेदन पर जांच उपरांत मामले को सत्य पाया है। श्री झा ने कहा कि दोषी वेंडर की सदस्यता रद्द कर उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए बीडीओ द्वारा अवैध रूप से निकासी की गई योजना राशि को 24 घंटे के भीतर जमा कराने का आदेश जारी किया जा चुका है। मनरेगा लोकपाल डॉक्टर मुरारी झा ने कहा कि रंका प्रखंड में मनरेगा की सभी योजनाओं की जाँच की जा रही है, गलत तरीके से काम करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होना तय है। लोकपाल ने बताया कि शिकायतकर्ता पुनीत साहू की शिकायत को सही पाया गया, बिना गाय सेट बने 49,980 रुपए की फर्जी निकासी कर ली गई है, उसे हर हाल में जमा कराया जाएगा। पुनीत साहू के गाय सेट निर्माण के संदर्भ में पुनीत साहू के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि बिना कार्य किए राशि का निकासी कर लिया गया है, जांच करने में पाया गया कार्य नहीं हुआ है। इस संदर्भ में मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी रंकास को पत्र प्रेषित किया था कि जांच कर जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई करते हुए उपलब्ध कराए 24 घंटों के अंदर। उनके द्वारा 4 तारीख को ही कार्रवाई की गई है, जिसमें 49,080 रुपये फर्जी राशि के रूप में भुगतान किया गया था, जो उप मुखिया जिनके पास फाइनेंशियल पावर है और पंचायत सचिव के द्वारा गलत तरीके से राशि जो है डाल दिए थे, वास्तव में योजनास्थल पर कार्य नहीं किया गया है। पुनीत साहू का शिकायत जो है सत्य पाया गया है, कार्रवाई करने हेतु वो प्रखंड विकास पदाधिकारी रंका के द्वारा जो है अनुशंसा की गई है। इसके अलावा भी मंडल का जो है तो सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी अनुशंसा मैं करूँगा। विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वय गढ़वा के पास उसके साथ साथ मनरेगा आयुक्त ग्रामीण विकास विभाग सरकार के और सचिव ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भी रंका प्रखंड से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं आई है, जिसमें इंदिरा आवास है, गेपियन वर्क है और भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र से भी संबंधित शिकायत है, जिसकी जांच की जा रही है। और अभिलेख के भी मांग में प्रखंड विकास पदाधिकारी से किया हूँ, जाँच उपरांत विधि सम्मत करवाई जाएगी।